नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह अभी हमारे साथ मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं आइए उनसे जुड़ते हैं और विकास सहित कई मुद्दे हैं हमारे पास उनसे खुलकर बातचीत करते हैं दिनेश चंद्र यादव जी जिस तरह से आपने इस बार लोकसभा सत्र के दौरान कोसी इलाके के विकास के लिए बहुतेरे प्रश्नों की झड़ी लगा दी इसके पीछे का कारण क्या है और आपने किन किन मांगों को तरजीह के साथ पटल पर रखा नहीं देखिएगा तो राज्य के से भी संबंधित जो सवाल था उसको भी हम उठाए लेकिन लोगों का ज़्यादा ध्यान गया कि इस क्षेत्र के लिए क्या सब मांग उठाए तो उसी मांग में से यहाँ सैनिक स्कूल की स्थापना हो एम्स की स्थापना हो फिर मधेपुरा में सेंट्रल स्कूल हो इन सब सवालों को हम उठाए एक सवाल उसमें से था कि इस इलाके में जो विद्युत विद्युत इंजन कारखाना लगा और आप जानते हैं कि जब कहीं बड़ा कारखाना लगता है तो लोगों को बहुत उम्मीद जगती है कि अब कारखाना लगेगा इस इलाके के बहुत बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी मिलेगी लेकिन लोग ठके से रह गए उसमें जब हुआ लोग तो तीन फसल की ज़मीन को लोगों ने उस फैक्ट्री के निर्माण के लिए दिया लेकिन आज जो विद्युत रेल इंजन बन के तैयार हो रहा है तो वो तो मुश्किल से साल में दो तीन इंजन तैयार होता और वह असेम्बलिंग होता है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो असम्बलिंग तो बाहर से पार्ट आता है और टेक्नीशियन रेल से ही मांगता है कंपनी वाला जो टेक्नीसियन है वही उसमें जाता है लोगों को तो अपेक्षा है कि हम इंजीनियर हैं तो हमको नौकरी हो जाए हम पढ़े लिखे हैं तो हमको अकाउंट वगैरह अकाउंटेंट वगैरह कर्मचारी और अन जो पार्ट्स बनेगा उसमें भी लोग चाहिए तो वह नहीं हुआ इसीलिए हमने मांग रखा कि आप फैक्ट्री जब खोलते हैं तो इस दृष्टि से भी आप चलिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाके के लिए रोज़गार हो इस सवाल को भी हम उठाएँ जैसे आप लीजिएगा कि इस इलाके में तो बहुत कुछ हुआ लेकिन कम्युनिकेशन की जितनी सुविधा होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी रह गई थी इसलिए हमने यह भी मांग उठाया कि पूर्णिया से विदुपुर तक एक फोर लेन सड़क हो वह सड़क उसी में मिले जो ग्रेंटन रोड गया से सड़क आके दरभंगा तक बनने जा रही है चार लेन सड़क तो उसी के अलाइनमेंट पर बिदूपुर है तो वह यदि पूर्णिया से शुरू होगा तो आप मैप देखे होइएगा तो फिर लगता है कि एक लाइन में सो सभी जगह जा रहा है पूर्णिया से उदा कि सुमन उदा सुमन से सिमरी बख्तियारपुर सिमरी बख्तियारपुर से बिथान बिथान से दल सिंह सराय और दल सिंह सराय से बिदूपुर और यह सड़क नया होगा तो यह किसी पहले बने हुए सड़क पर इसका अलाइनमेंट नहीं होगा ये अलग होगा और इसका भी डिमांड उठाया गया है और पहल भी करेंगे बाद में भी मिलेंगे विभागीय मंत्री जी से गडकरी साहब वगैरह से और पूरा जोर लगाएंगे कि इसकी स्वीकृति हो जाए तो इन सब काम में लगे हुए हैं क्षेत्र की समस्या थे उसको उठाना तो फर्ज है ऐसा नहीं कि हम बहुत जोर से सब कुछ उठा दिए पहले भी बहुत बड़े साथ काम हुए बड़ी रेल लाइन जो अमान परिवर्तन है नेशनल हाईवे है एच दूरदर्शन है आपको सेंट्रल स्कूल है और फिर नवोदय विद्यालय का भवन है तो पहले भी उठते रहा और उसको कराते रहे तो और हम लोग का तो फर्ज़ है जब जाते हैं हम जनता चुनती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वास करके वोट दिया उसके विश्वास पर ठोकर कभी नहीं लगे और भगवान की कृपा है वह सब काम भी होते जा रहा है और लगे हुए हैं सब करेंगे जितना संभव हो सकेगा उसको हम रत्ती भर भी समय बर्बाद दूसरे काम में नहीं लगा के इन्हीं सब काम में लगे रहेंगे सांसद जी जिस तरह से आपने मांगों की झड़ी लगाई बहुत तेरे ऐसे हैं विरोधी दल के लोग जो कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह जो है कविता पाठ किया संसद के पटल पर इसको लेकर क्या कहेंगे आप कविता पाठ की मांगों की जो झड़ी लगाई डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह आपने कविता पढ़ डाली मांगों की जो है झड़ी लगाई वह झड़ी मांगों को पूर्ण कराने के लिए नहीं बल्कि एक कविता थी इसको लेकर क्या कहेंगे ना ना कविता समझने वाले लोग समझे सब तो विकास से संबंधित मुद्दा था कविता अलग है और विकास अलग चीज है इसीलिए विकास में कविता का कहाँ स्थान है कविता तो उसके लिए अलग समय है अलग जगह है जहाँ लोग जुटेंगे अमुक कभी आएंगे दो घंटे का कार्यक्रम होगा फिर खत्म होगा तो लोग अपने अपने घर पर जाएंगे तो दो घंटा में जो मनोरंजन उनको लेना होता है उसी के लिए कविता या चार घंटा भी चले तो उतने पीरियड तक आनंद लेने का वो क्षण है लेकिन विकास में तो सतत लगना पड़ता है तब विकास होता है ऐसे घर बैठे विकास होता तो आज़ादी के तिरसठ वर्ष बीत गया था और बड़ी रेल लाइन क्यों नहीं आई इसी इलाके में आज़ादी के तीस वर्ष बीत गया इसी इलाके में जो नेशनल हाईवे क्यों नहीं आया दूरदर्शन एच पी टी बीस किलोवाट क्यों नहीं आया इसीलिए क्षभता से विकास का तुलना मेहरबानी करके मत करिए अब सांसद महोदय चूंकि आप लंबे समय से रहे हैं चार बार सांसद चार बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री तो निस्संदेह क्षेत्र की जनता को आपसे बहुत तेरी उम्मीदें रही हैं बहुत सारी उम्मीदों पर आप खड़े भी उतरे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं चूँकि कोसी इलाका का ये काश पटेर और कछार का इलाका है गरीबी यहाँ कुलाचें भरती है बीमारी से लोग त्रस्त रहते हैं बहुत लोग आपको विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं कि आप विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है ये क्या मज रहा है इसे समझाएं हमारे दर्शकों को जो भी व्यक्ति गलत बात बोलता है हम समझते हैं कि दिल से नहीं बोलता होगा ऊपर से इस बात को बोलता है उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होगा राजनीतिक छिपी होगी कि इस पार्टी के नेता हुए तो ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और किस तरह से उस अच्छे काम को नीचे तरह से दिखाया जाए तो उसका समय तो उसी में बीतेगा हम उसको देख के कुछ नहीं करेंगे जिसको जो बोलना है जिसका मानसिकता गलत है अपना बोले हमको तो विकास करना है करवाना है किसी तरह से कहीं से लाना है तो इस काम में हम लगे हुए हैं बोलने वाले बोले वो अभी संख्या बहुत कम उसका दिल गंदा है इसलिए उस बात को बोलता है सांसद जी इस बार कुछ इलाके से पांच पांच मंत्री बनाए गए हैं बहुत मंत्री ऐसे हैं जो फूलमाला से लदे गाड़ियों में घूम रहे हैं लग रहा है कि इस बार कुशी का कायाकल्प हो जाएगा या फिर विनाश के पट खुलेंगे नहीं नहीं देखिए मंत्री जब होता है तो स्वाभाविक विधायक होते हैं जिस दिन चुनाव होता परिणाम आता फिर सांसद का भी चुनाव होता है परिणाम तो लोगों में खुशी होती फूल माला दिया जाता यदि फूल माला मंत्री को दिया गया तो इसमें कोई गलत नहीं है और इसी को कैसे मान लीजिएगा कि घूम घूम के मल ले रहे ले रहे हैं माला तो स्वाभाविक रूप से जनता देती है उसको समर्थक देता बहुत लोग ऐसे भी हैं कि हमारे इलाके से हुआ तो उस तरह से देता हम लोग को तो खुशी है दो कमिश्नरी है, हम लोग का पूर्णिया और सहरसा इसी से मुख्यमंत्री नहीं हुआ लेकिन उप मुख्यमंत्री तो हो गया तारकिशोर जी और मंत्री हुए हैं शाहनवाज हुसैन साहब देश की राजनीति करते थे लेकिन आके बिहार से मंत्री हो गए कोई काम इन दिनों उनको था नहीं तो सुपौल के रहने वाले हैं वो आ गए तो उद्योग विवाह देखेंगे तो उसमें तो और कुछ काम बढ़ेगा या नीरज कुमार बबलू भी, भी हैं उसको वन पर्यावरण है उसमें भी कुछ काम निश्चित रूप से बढ़ेगा और अन्य मंत्री भी जो है कला संस्कृति हमारी भेंट कल हुई थी आए थे मिलने के लिए तो हम कहे कि ये सब दौर ख़त्म हो जाए तो फिर कंसंट्रेट करना है कि हम कला के क्षेत्र में क्या, क्या क्या कर सकते हैं जैसे स्टेडियम है या कहीं सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम के लिए उसकी व्यवस्था कराना है और राजकीय जो चलता है क्या कहा जाए उसको समारोह जैसे कोसी महोत्सव का चल रहा है उग्रतारा महोत्सव चल रहा है उसी तरह से जो और प्रसिद्ध स्थान है जैसे दिवारी स्थान वगैरह वह उसमें भी महोत्सव नोटिफाई हो राज्य सरकार के स्तर से तो यही सब काम है देखेगा मंत्री पहली बार है तो थोड़ा तो समय लगेगा ही आपको ये नहीं लगता है कि आपका लंबा अनुभव राजनीति में रहा है और नए लोग मंत्री बने हैं बड़ा मंत्रालय उनके हाथ में आया है तो बिल्कुल ये लोग निर्मल भाव से आपसे सलाह मशविरा करें आपसे कुछ सीखें आपसे कुछ जानकारियां हासिल करें आपसे मार्गदर्शन लें क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों को आपसे लगातार जो है संपर्क में रहना चाहिए नहीं बहुत कम कम समय ही हुआ है मंत्री बने हुए और हमसे राय भी नहीं करेंगे तो जो बेहतर होगा हम सुझाव देंगे कि बाबू इस काम को करो और यह नहीं कि हमारे पास कर, उसके विवेक पर है कि हम पूछने जाएं कि नहीं पूछें और नहीं पूछने पर भी हम बताएंगे कि इस विभाग के मंत्री हैं आप यह काम कर सकते हैं तो उसमें कोशिश करिए हो जाए तो क्षेत्र का भला होगा इसी इस तरह से सांसद जी इस बार देख रहा हूँ कि लव कुछ समीकरण बिहार में जो है मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आर सी सिंह जी को बना दिया और यहाँ उमेश कुशवाहा तो लव कुछ का समीकरण चल रहा है तो क्या इसमें और जाति के लोग पार्टी के अंदर हाशिए पर चले जाएंगे और जा धर्म के लोग हाशिए पर चले जाएंगे क्या होगा पार्टी का नहीं पार्टी में सभी जात बिरादरी के लोग हैं अब मान लीजिए जो कॉम्पिटेंट समझा जाता है इस काम को अमुक आदमी कर सकता है तो उसको जात के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे पार्टी के समय नहीं मिल पाता था इसीलिए उन्होंने काबिल आदमी आर साहब आई एस हैं और उनको जवाबदेही दिया गया तो पार्टी के अंदर किसी को कोई तकलीफ या कोई बात नहीं है उमेश कुशवाहा भी गए हैं तो वह भी संगठन करने वाले लोग हैं इसलिए वह तो क्षमता जितनी लोगों में है उसका उपयोग पार्टी करना चाहती है और ऐसा तो सभी लोग करते हैं मंत्रिमंडल का जब गठन होता है ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जिसका नज़र नहीं रहता है कि हम कौन कौन समुदाय के बिरादरी के लोगों को के को मंत्री बनावें कि लोग कहे कि नहीं हमारा भी मंत्री हुआ इससे कोई अछूता नहीं है जितनी भी सरकारें बनती है कांग्रेस की बनी तेलुगु देशम की बनी भारतीय जनता पार्टी की जनता दल यू की तो सभी लोग कोशिश करते हैं सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व हो तो यह कोई ख़राब भी बात नहीं है क्या यह मानकर चले कि सबका साथ सबका विकास निश्चित मुख्यमंत्री जी का नारे है सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास यह तो पहले से चला आ रहा है आखिरी सवाल हमारा होगा क्या इस बार बिहार में पाँच साल तक अस्थायी सरकार जो है नीतीश जी चला पाएंगे देखिए यह सच है कि गठबंधन की सरकार गठबंधन की सरकार बिहार के लिए कोई पहली सरकार नहीं है पहले भी गठबंधन होते रहा सरकार भी चलते रहा और व्यवधान भी हुआ जब दो आदमी तीन आदमी एक जगह है तो कोई जरूरी नहीं है जब इंसान है तो मन के अनुसार सभी लोगों का काम हो जाएगा यह तो नहीं होता इसीलिए गठबंधन की सरकार है दो राय नहीं है मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ कि हम लोग चुनाव में आपके बारे में बोले हैं कि वही होंगे प्रधान मुख्यमंत्री तो इसीलिए हो गए तो सभी लोग जवाब दे ही तो ठीक से चलेगा ही और हमको तो उम्मीद है कि पाँच बरस चलेगा लेकिन गठबंधन की सरकार में तो ये गारंटी कौन देगा कि इसको हम पाँच साल तक ले जाएंगे लेकिन नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की भी और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और राय विचार करके सब कुछ काम हो रहा है इसलिए पाँच बरस तक बिहार सरकार चलेगी यह विश्वास है सांसद महोदय ने साफ कर दिया कि किस तरह से उन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान कोसी के विकास के लिए आ, बहुत बहुत सारी मांगों को पटल पर रखा और उन्हें पूरा यकीन है कि तमाम उनकी जो मांगे हैं उन पर केंद्र सरकार विचार करेगी और तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने यह कही कि बिहार सरकार जो अभी एन की है उस पर संशय बरकरार है पाँच साल तक सरकार टिक पाएगी या नहीं पाएगी उस पर धुंध है लेकिन ये उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सक सब...